नमस्कार। हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बीजेपी पंजाब अध्यक्ष ने अमृतसर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री काव्यान मुर्दा बोले कफन फड़े जैसा है। डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू ने भगवंत मान द्वारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी में कड़े शब्दों में इनकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा विधानसभा में जो घटिया शब्द कहे गए हैं वो मुख्यमंत्री पद को बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। मान पूरी तरह से भूल गए हैं कि वे कॉमेडी सर्कस नहीं बल्कि पंजाब सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा जिस पार्टी के पास देशभर में सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच हैं, जिस पार्टी के पास सबसे बड़ा खजाना देश की जनता का वोट बैंक है, वो पार्टी पिछले दो बार से लगातार देश की बागडोर संभाल रही है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री उस पार्टी के बारे में इस तरह की निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेहद ही शर्मनाक है। मुर्दा बोले कफन फाड़े, ये एक पुराना पंजाबी की कहावत है और सरदार भगवान सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब ने कल ये बयान दे के कि बीजेपी का वस चले तो जनगण मन दे विच पंजाब का जड़ा वर्णन है वह भी हटा देंगे, ये कह के इस मुहावरे नूं कि मुर्दा बोले कफन फाड़े अपने आप से उन्होंने सिद्ध कर दिता है। मैं आज ये तुहानू सारे नूं दसना चाहांगा कि जो जो पंजाब के हित लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने जो जो पंजाब के हितों के लिए पंजाब की तरक्की लई कीता है वो अज तक जो उन्होंने 9 साल च करता पिछले 90 सालों च नहीं होया है। समराला में शिरोमणि अकाली दल के महासचिव परमजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि सुल्तानपुर लोधी में निहंग सिंहों और पुलिस के बीच जो झड़प हुई वो घटना गुरुपूर्व के अवसर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धारा 142 को लेकर के पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत पर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया और कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो गंभीर मसला पंजाब का सी, जो पिछले समय दौरान जदों गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव सी, उस समय से अकाल बूंगा साहब सुल्तानपुर लोधी च पंजाब पुलिस ने अंदर बढ़ के सने जुत्तियां अंदर बड़े ने, जिथे गुरु महाराज के प्रकाश होए हुए सी, जिथे अखंड पाठ साहब चल रहे सी उत्थे जाके होर बेअदबी की गई, तो शरेआम गुरद्वारा साहब से गोलियां चली। तो उस दे विच भी दो धिरां की आपसी कोई लड़ाई सी निहंग जथेबंदियां की, जिहड़ी कि बह के भी सुलझाई जा सकती सी, जिहड़ा कि यह जो घटनाक्रम होया रोकिया जा सकता सी, पर उत्थे क्योंकि फरमान आया होया सीगा मुख्यमंत्री साहब दोनों दे इक धड़े नाल नेड़ता होण कारण, तड़के 4 बजे जो पंजाब पुलिस अंदर बड़ी आ बेअदबी की आ, गोलियां चलाईया गईयां ने, सिद्धियां गोलियां चलियां ने उस गुरद्वारा साहब दे अंदर। शहर के एप्पल वाइड पैलेस में शिरोमणि अकाली दल बादल की एक अहम बैठक हुई जिसमें इलाके के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हलके के नेताओं के साथ साथ यूथ विंग पंजाब के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंझर ने भी हिस्सा लिया और कहा कि इसमें आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा मोर्चा की विशेष जरूरत है, जिसमें उन्होंने युवाओं को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि अब तक 1 लाख से ज्यादा युवा लड़के लड़कियां युवा विंग का हिस्सा बन चुके हैं।
खबर संगरूर से आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां हो गई है और इसी सिलसिले में लगातार बैठकें हो रही हैं। शियत की इस दौरान बैठक हुई, श्रोमणी अकाली दल की बैठक हुई, जिसमें काफी सारे युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आंतरिक कमेटी की एक विशेष बैठक एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। सभा के बाद शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने मीडिया को संबोधित किया। धामी ने कहा कि भाई राजुआना 5 दिसंबर को भूख हड़ताल पर है और पूरा सिख पंथ उनसे भूख हड़ताल न करने की अपील करता है। उन्होंने कहा कि हमने 2 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है जिसमें ये फैसला लिया जाएगा और राजुआना के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। भाई बलवंत सिंह राजुआ ने अपने राष्ट्र के व्यापक हितों के लिए 5 दिसंबर को भूख हड़ताल पर न जाने का उनसे अनुरोध किया जाएगा। जिदा निजाम आ हर एक मुल्क है एक दस्तूर आ एक विधि विधान आसो विधि विधान के बिच रह के कर रहे हैं। अस चाहते भी कोई विधि विधान टप के गल करिए पर जिसले वसीले खत्म हो जाते फिर असि हम पिछे मीटिंग की जी चंडीगढ़ मैं बार बार एक गल हम सारे कह रहा कि बंदी सिंघा दे विच राजुआना साहब का केस नहीं आता। वह बंदी सिंघा की रिहाई दे विच पहला गल ठीक है भी पहला उसकी कम्यूट होगी वह लाइफ इमरजनमेंट आने फिर उन्होंने होगा। तो असं समुचे तौर पर भाई राजुआना साहब की अपील करते सेंटर के जो भी करना वो जो भी करना तुम कर दौ सिखा मतलब इन्हों के सबर का जोड़ा आमतिहान ना लो और मैं दार दिना भाई राजुआने साहब की साढ़े तक 2 घंटे लगातार मेहता साहब बिच सी सियालका साहब बिच सी जिस दृढ़ता ना कहना मैं बिलकुल तैयार हाँ मैं तैयारी की वो मैं रंच कमात्र पर सरकार कहो बोली सरकार भी जेडे भी डैथ अपने ब्रांच के दाखिल करने मेरे कर दिन ताकि मैं इतों 17 साल के बैठा जरा साफ भी करो भी 17 साल जो बंदा कि स्कूटी च बैठा हो। और श्रोमणी अकाली दल के अमृतसर शहर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह पोज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका और रास बीवी वाणी का आनंद लिया। वहीं तलबीर गिल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में प्रभारी हैं और श्रोमणि अकाली दल उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से अनिल जोशी और अन्य पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्रों से अध्यक्ष दिलबाज सिंह हैं। इस मौके पर बोलते हुए नवनियुक्त शहर जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह पाउचे ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे और भगवान के आशीर्वाद से वो इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। संतन श्री गुरु रामदास जी के चरणों च असीं अरदास बेनती करन आए हैं। सरदार सुरजीत सिंह जी नूं, सरदार सुरजीत सिंह पहलवान जी नूं जिला जथेदार दी जिला प्रधान अमृतसर साहब श्रोमणी अकाली दल वालों जिम्मेवारी मिली है। बहुत ही नेक निम्रता वाले खानदानी चंगी रेपूटेशन वाले जिन्हों का सब दे नाल मैं ते कहूंगा भी पार्टी दे विच ते एक सुरता एक जुटता है ही आ कि इन प्रति सब दी सर्वसम्मति नहीं ते मैं कई बार वेख्या वा जदों कोई जिम्मेवारी किसी नूं मिलदी आ दो तीन तीन धड़े हो जांदे आ कोई कहिंदा आ बनना चाहिए हे आओ इन्हां दे नां दे उत्ते किसे ने अज तक कोई किंतु परंतु नहीं कीता। जिहड़े साडे श्रोमणी अकाली दल दे अमृतसर शहरी दे नवे प्रधान सरदार सुरजीत सिंह जी होणी बने ने वो अज श्री गुरु रामदास जी के दर से नतमस्तक होने वास्ते श्री हरिमंदर साहब आए हैं और समुचिया इलाके संगतां मोतबार जिथे दास आया उथे जोशी साहब आए हैं नाल वीर दिलबाग सिंह जी जिहड़े पछवी दे इंचार्ज सारे सीनियर लीडरशिप जी अज इत्थे आई है और गुरु महाराज सच्चे पातशाह के चरणों से अरदास बेनती करना है कि सच्चे पातशाह वाहिगुरू सानू बल बख्शियो अपना हमेशा मेहर भरिया हाथ जिहड़ा सिर ते रखियो ते तगड़े होके जिहड़ी आ कौम की सेवा जिस तरह अं पहला करते रहे उस तरह करते रहिए। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज अं धन धन साहब श्री गुरु रामदास के दर से हाथ जोड़ के बेनती करने वास्ते आए अरदास बेनती करने वास्ते आए सच्चे पातशाह जो मैनू श्री गुरु श्री अमृतसर साहब की सेवा मिली है
अपना मेर प्रयात्र आके मेरे को सेवा करा। जिन्या भी चुनौतियां सारियां तगड़े होके नजिठा गे। एक जुटता लैनी बहुत जरूरी है, एक प्लेटफॉर्म से जिहड़े कि आन पार्टी मजबूत होवे ते की उस वास्ते कीता जाएगा जी? पार्टी वास्ते जो भी जतन साडे जो भी साडे फर्ज बनते हैं तगड़े होके असीं करांगे, किसी गल की कमी नहीं आउंदा। जिन्हें भी साडे वर्कर साहिबां नूं सारों नाल लैके चलांगे। अज असी साडे शहर के प्रधान सचखंड श्री हरिमंदर साहब नकमस्त होण आए ने, श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला की अरदास की है। साडे जोशी साहब भी नाल आए, तलबीर भाजी नाल, सारे शहर की टीम, हलका पछमी की टीम, दखनी की टीम, चौं हलकों की टीम, महाराज के दरबार से असी अरदास बेनती की है महाराज श्रोमणी अकाली दल नूं चढ़ती कला च रखण। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के पंजाब यूथ प्रधान हनी महाजन और अन्य शिवसैनिकों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1984 के हिंदू दंगा पीड़ितों को अभी तक उस समय की सरकार द्वारा जारी किए गए 781 करोड़ रुपए की राहत राशि नहीं दी गई है। उस राशि को जारी करवाने हेतु शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का एक डेलीगेशन गुरदासपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलकर हिंदुओं के इस मांग को पूरा करने की अनुरोध करेंगे। हनी महाजन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जिस फंड को अभी तक कोई भी सरकार रिलीज नहीं कर सकी उसे आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर करेगी। साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यह है कि 2 तरीक नूं पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री गुरदासपुर आ रहे हैं। उस संबंध में असी 11 मैंबर का एक डेलीगेशन लैके जिहड़ा पंजाब दे विच 84 तो लैके 92 तक कतलेआम होया, जिहदे विच 35,000 पंजाबियों का खून डुल्लिया, 35,000 हिंदू मरिया, अज तक होर मुआवजे सारयां नूं मिलदे रहे असी उहदे हक च, पर उहनां दे बेस दे उत्ते जिहड़ा 35,000 पंजाबियों का कतल होया पंजाब च, उहनां नूं तां एक बार भी किसी ने मुआवजा नहीं दिता। 781 करोड़ का पैकेज बड़ी देर तो जिहड़ा लटकिया पिया, जे बीजेपी पिछली बार सी उत्ते सेंटर च भी पिछली बार बीजेपी सी, हुण भी बीजेपी है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में भारत की मुख्य ट्रेनों में शुमार वंदे भारत ट्रेन और MEMU ट्रेन के नए कोच निर्मित होंगे। इस बात की जानकारी देते हुए RCF के महाप्रबंधक एस श्रीनिवास ने बताया कि इन कोचों के निर्माण के लिए रेल कोच फैक्ट्री में तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि वंदे भारत के कोच की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और MEMU की अधिकतम जो सीमा होगी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण कार्य में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और इसके साथ ही रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला ने नवम्बर माह में हर महीने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पत्र सौंपने के साथ ही उसी दिन उनकी जगह पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश सौंपे जाने की नई पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत आज सेवानिवृत्त और पदोन्नति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 29 कर्मचारियों को पदोन्नति पत्र वितरित किए गए। आज RCF से और उनके अगेंस्ट में हमने 29 स्टाफ को प्रमोशंस दिए हैं। इनफैक्ट प्रमोशंस ज़्यादा दिए क्योंकि अगर कोई हायर लेवल में रिटायर होते हैं उसके नीचे में चेन होते हैं, जैसा कोई सुपरवाइजर रिटायर होते हैं उनके नीचे आर्टिजन होते हैं, आर्टिजन में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वहाँ भी वैकेंसीज बनते हैं, तो एक चेन जैसा होता है। वो सब मिलके एग्नेस्ट 16 रिटायरमेंट स्टाफ यू आर प्रमोटेड 29 पीपल। इसमें आज का खासियत ये है कि नॉर्मली हम मंथ एंडिंग में वी गिव द रिटायरमेंट किट्स टू द रिटायरिंग स्टाफ, बट आज हमने ये किया था कि जो एराइजिंग वैकेंसीज हैं उसके काफ़ी मतलब हमारे पर्सनल ब्रांच ने का तेज काम करके सेलेक्शंस किए हैं और प्रमोशन ऑर्डर्स भी बनाए हैं,
और उनका पे फिक्सेशन भी किए हैं, और जो प्रमोट हो गया स्टाफ उनका जो प्रमोशन लेटर्स भी जो है जो स्टाफ रिटायर हो रहे हैं उनके थ्रू दे गए हैं। तो ये हमारा जो जो रिटायर हो रहे स्टाफ हो उनको भी ये सिख इंस्टीट्यूट गुरदासपुर ने गुरदासपुर के एक होटल में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली से आए ओजोन कंपनी के अधिकारियों ने बच्चों को पार्लर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सेमिनार में बच्चों को उनकी स्किनर के बारे में जानकारी दी गई और उनके स्किन के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही उनको बताया गया कि उत्पाद का उपयोग कैसे करें ताकि त्वचा को कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि इस जानकारी से बच्चे को उनके कैरियर में बहुत ही मदद मिलेगी, वहीं बहुत सी चीजें उन्हें स्पष्ट हो जाएंगी। इसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह भी था। सेमिनार में बच्चों ने कहा कि हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला और हमें उम्मीद है कि सेमिनार आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे। ये हाइड्रा फेशियल की हुई है हाइड्रा की, और ये हमारे हमें बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, और मैम ने अलग से एक हमारे लिए, हम यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं और मैम ने अलग से हमारे लिए वर्कशॉप एक अरेंज की, और हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत नॉलेज मिली है, बहुत तो सीखने को मिला। हाँ, बहुत बहुत सारी चीजें स्किन के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। हाँ, के साथ हमें और हाइड्रा के साथ हमें ओजोन के प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज मिली है, डिफरेंट स्किन के अकॉर्डिंग कम्प्लेक्शन के और प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रितु मैम ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और आज हम उनका भी थैंक्स करते हैं और सुनीता मैम का भी थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इतने एफर्ट्स के साथ हमारे लिए ये क्लास अरेंज की है। पहले तो मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी। मैं ओजोन कंपनी से आई हूँ, जो ओजोन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें हमारी बहुत सारी मेडिसिन 31 ईयर से पूरी ऑल ओवर इंडिया में जा रही हैं। अभी जो हमने स्किन केयर की रेंज निकाली हुई है वो भी हमारी एज एंड स्किन को स्पेसिफिक करते हुए वो बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग आज गुरदासपुर में आए हैं। मैम ने एक अच्छी वर्कशॉप रखी है जो अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं कि हम लोग अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से भी किस तरह से स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। तो हाइड्रा मशीन के साथ उनको ट्रेनिंग दी गई है विद ओजोन प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स को हर जगह नई नॉलेज चाहिए होती है, ये मैम के एफर्ट्स हैं और हम लोग इस तरह से आज पूरी ट्रेनिंग। और जालंधर में ईडी की टीम ने सुबह सुबह अमलोह में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के घर पर छापा मारा है। इसी के साथ ही वन घोटाले से जुड़े ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह के आवास पर भी छापेमारी हुई है। ईडी ने इस कार्रवाई को जो किया है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर छापामार के किया है। भवानीगढ़ के गांव आलो अखर में सरकारी मिडिल स्मार्ट स्कूल के 3 अध्यापक समेत 25 छात्रों को विधायक नरेंद्र कौर भराज की मदद से लाइव विधानसभा सेशन देखने का मौका मिला। स्कूल के सामाजिक शिक्षा के टीचर की दिली तमन्ना थी कि किताबों में पढ़ाए जाने वाले विधानसभा सेशन बच्चों को असल जिंदगी में लाइव देखने को मिले, तो इस संबंधित स्कूल के टीचरों ने संगरूर की विधायक से राबता कायम किया और उनको ये अपनी इच्छा बताई, जिसके बाद से नरेंद्र कौर भराज ने स्कूल के 3 टीचरों समेत 25 स्टूडेंट्स को विधानसभा सेशन दिखाने का मौका मिला। वहीं बच्चों ने अपने लाइव विधानसभा सेशन संबंधित एक्सपीरियंस शेयर किए। बहुत वधिया महसूस हो रहा क्योंकि असी सोचा नहीं कि असी कदे विधानसभा दा लाइव सेशन देखने दा मौका मिले, वधिया लगे सन जाके। किस किस दे उपराले सदका है जेड़ा लाइव सेशन देखने दा तुहानू मौका मिले? ए MLA नरेंद्र कौर भराज दे जतना सदका तुहानू ए विधानसभा देखने दा मौका मिलिया। ठीक है, जदों तुसीं उत्थे गए विधानसभा सेशन देखिया किदां दा माहौल सी उत्थे दा, किवें एंट्री हुई, कौन तुहानू रिसीव करना है? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ MLA ਮੈਮ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SST ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਭਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕੌਣ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ बटाला शहर के मुख्य बाजार में देर रात दो युवकों ने एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया जहां एक युवक बाहर खड़ा था और दूसरा युवक शटर तोड़कर दुकान में घुस गया। दुकान में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना चोरी की जो है वो CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं चोरों ने करीब 45,000 रूपये नकद और अन्य सामान भी चोरी किया। वहीं पीड़ित ने मांग की है कि प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਡਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਾਤੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ 445,000 ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई। इस मौके पर जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय के साथ अपने विचार भी साझा किए। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान सरकार ने बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हैं। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और को मानना इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की दृष्टि में एक अकाल पुरख को छोड़कर किसी अन्य को मानना सबसे बड़ा पाप है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਖਬਰੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ।